इंदौर के राव कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के भतीजे की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विधायक के भतीजे कुणाल पटवारी ने राव पीतमपुर टोल नाके पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के राव से कांग्रेस विधायक और पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी के भतीजे पर टोल कर्मचारियों से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। जीतू पटवारी के भतीजे कुणाल पटवारी ने 3 दिन पहले राव पीथमपुर टोल नाके पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस मामले में वीडियो और अन्य साक्ष्य सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राव पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर ने बताया कि राव पीतमपुर टोल प्लाजा के प्रबंधक ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भतीजे कुणाल पटवारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने टोल पर अधिकारियों के साथ 4 जून को लाठी का प्रयोग किया और गाली गलौज की। मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच की जा रही है। दिनांक 4/6/2020 की घटना है। टोल प्लाजा जो राव पीतमपुर का है, वहाँ पर जो मैनेजर है संतोष सिंह ने हमें बताया कि एक शिकायत दर्ज कराई उन्होंने कि टोल प्लाजा पे I-20 जो सफ़ेद कलर की है उसमें कुणाल पटवारी और अन्य साथी जो कि बीजलपुर के निवासी है वो आए और उन्होंने गाली गलौज कर मारपीट की, लाठी डंडे से भी मारपीट की। जो घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, उन्होंने हमें फुटेज के तौर पे एक CD दी है। देर रात कल 5/6/2020 को ITC की धारा 323, 294, 506, 147, 149 ITC में केस दर्ज हुआ है, उसमें विवेचना भी जारी है। हाँ, पहले भी वो इस प्रकार की घटना कर चुके हैं, तो पूर्व में भी अपराध दर्ज है। मैनेजर जी भी बता रहे थे कि जीतू पटवारी जी के भतीजे या भांजे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर राजनीतिक दबाव के चलते मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।